जानते हो क्या, तुम्हें सबसे ज़्यादा माँ प्यार क्यों करती हैं? तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का फल माँ ही क्यों भरते हैं? जानते हो क्या, एक माँ का प्यार सबसे पवित्र क्यों माना जाता है? एक माँ का महत्व क्यों सबसे सर्वोपरि कहलाता है? 9 महीने अपने कोख में पालना, कच्चे घड़े से संस्कारों में ढालना, उंगली पकड़कर चलाना सिखाना, गलती करने पर सही राह दिखलाना, यही तो है एक माँ का अफसाना। शरारत करने पर फटकार लगाना, अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाना, संग तुम्हारे बैठ दुख बांट जाना, सहेली समझ कर भी चुगली लगाना, यही तो है एक माँ का अफसाना। घर का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाना, सभी मुसीबतें चुप कर से सह जाना, फिर भी भला बुरा कहलाना, यही तो है एक माँ का अफसाना। दुनिया की माया से बच्चों को बचाना, ममता की छाया से उन्हें सहलाना, सभी के पसंद का खाना बनवाना, यही तो है एक माँ का अफसाना। मकान को घर बनाने में जी जान लगाना, दूसरों की खुशियों में उसका ढल जाना, घर आंगन में खुशियाँ भर लाना, यही तो है एक माँ का अफसाना। माँ कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, पर इस छोटे शब्द में हम सभी की पूरी दुनिया बसती है। मन को एक सुकून सा मिलता है जब वह दिल खोलकर हंसते हैं। एक माँ ही है तो सबके चले जाने के बाद भी साथ खड़ी मिलती हैं, हमारे गमों में संग रोती और खुशियों में बसंत के फूल से सी खिलती हैं। वैसे तो रब का रूप है माँ, पर अपने आप में ही महत्व शीतलता और सादगी स्वरूप है माँ। घर परिवार के खातिर अपने सपनों को दौड़ देती हैं, न जाने कितने बलिदान कितने संघर्ष अपने सिर ले, रब का दया वरदान है माँ। संपूर्ण समाज का मान है माँ, मेरे हिस्से की खुशियाँ भी माँ पर कुर्बान है, माँ से ही मेरी आन बान और शान है।